राष्ट्र की प्रगति में किसानों का योगदान अतुलनीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार विश्व में सबसे सस्ते दामों पर किसानों को उर्वरक मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य उत्पादन के लिए उर्वरकों की भूमिका अहम है, परंतु उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। इस स्थिति से चिंतित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके धरती माता को बचाने की अपील की है। हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। इसी से प्रेरित होकर समृद्ध भारत का सपना देखने वाले देश के समर्पित युवा वैज्ञानिकों की टीम ने आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल बनाया। विभिन्न शोध अनुसंधान और क्षेत्र परीक्षण से ये सिद्ध हुआ है कि नैनो यूरिया तरल की उपयोग क्षमता 80% से भी अधिक है, जो कि पारंपरिक यूरिया में मात्र 30-40% ही होती है। पारंपरिक यूरिया के मुकाबले छोटे आकार के होने के कारण नैनो यूरिया तरल की उपयोगिता अधिक है। इसके उपयोग से सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है और पौधों में लंबे समय तक नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे उपज गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पैदावार बढ़ती है, मानव स्वास्थ्य अच्छा होता है, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण में कमी आती है। नैनो यूरिया तरल परिवहन व भंडारण में किफायती एवं सुविधाजनक है, साथ ही सस्ता, प्रभावी और हानि रहित भी। मात्र 240 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक यूरिया की कम से कम एक बोरी के बराबर असरदार है। नैनो यूरिया तरल के उपयोग से पैदावार में औसतन 8% की वृद्धि होती है। फसल के आधार पर 1 एकड़ कृषि के लिए 1-3 बोतल नैनो यूरिया का छिड़काव पर्याप्त है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नैनो यूरिया तरल के इस्तेमाल से ऊपर से बिखेर कर प्रयोग किए जाने वाली पारंपरिक यूरिया के प्रयोग को आधे से कम या समाप्त किया जा सकता है। नैनो यूरिया तरल का छिड़काव बहुत कम समय में नैपसैक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर, ड्रोन आदि की मदद से किया जा सकता है। नैनो यूरिया तरल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 अत्याधुनिक नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे आगामी वर्षों में 44 करोड़ नैनो यूरिया तरल की बोतलों के उत्पादन का लक्ष्य है। 2025 तक नैनो यूरिया उत्पादन को लेकर चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। इससे पारंपरिक यूरिया के उपयोग में भारी मात्रा में कमी होगी, जिससे रसायन युक्त उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी। उर्वरक विभाग की पहल पर कई अन्य उर्वरक कंपनियां भी तकनीक के हस्तांतरण द्वारा नैनो उत्पाद निर्मित करने जा रही हैं। नैनो यूरिया तरल के अतिरिक्त अन्य नैनो उर्वरक भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनका क्षेत्र परीक्षण चल रहा है। देश के किसानों के बीच नैनो यूरिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकारों से विचारोपरांत इसे मांग के अनुसार राज्यवार मासिक आवंटन में शामिल किया जाएगा और इस तरह होगा आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि का सपना पूरा।